जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, आप संतुष्ट हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके बारे में। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अपने एग्जाम को लेकर। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो आपके परसों एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी गई थी, जिन कोर्सेज की डेटशीट रह गई थी वो कल जारी कर दी गई थी। जैसे आपका एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, एमएससी होम साइंस है, बीएससी होम साइंस है, बीएससी एग्रीकल्चर है, तो इन सब कोर्सेज की भी कल डेटशीट जारी कर दी गई है। और साथ के साथ जो हमारा 2 ईयर बीएड है उसकी भी डेटशीट जारी कर दी गई है। अब यहां पर जो हमारे अभी कोर्सेज रह गए हैं जिनकी डेटशीट जारी नहीं हुई है वो है हमारा एलएलबी और एलएलएम। एलएलबी आपका जो 3 ईयर है उसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं, जो कि आपका बिल्कुल क्लियर है। और आपका जो एलएलएम है, एलएलएम में आपका फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पहले जो डेट शीट हुई थी उसको निरस्त कर दिया गया है एलएलबी की भी। तो एलएलबी की हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर और जो आपका सिक्स सेमेस्टर है उसकी नई डेट शीट जारी की जाएगी। और साथ के साथ अभी जो डेट शीट जारी नहीं हुई है एलएलबी और एलएलएम की, वो इस वजह से भी नहीं हुई है कि हो सकता है जो आपका एलएलबी और एलएलएम के लिए जो आपके एग्जाम हो वो आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं। इसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी में मीटिंग रखी गई थी कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे तो किस तरीके से कराए जाएंगे। इसमें दोनों ऑप्शन रखे जा रहे हैं कि आपको जिन बच्चों को ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन दे सकते हैं एग्जाम, और जिन बच्चों को ऑफलाइन देना है वो बच्चे ऑफलाइन दे सकते हैं एग्जाम। तो इसमें दोनों ही चीजों को रखा जा रहा है, तो इसीलिए अभी डेट शीट इनकी जारी नहीं हुई है। तो हो सकता है आज या कल में कोई डिसीजन आ जाए कि एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे, और आपके एग्जाम कब से स्टार्ट कराए जाएंगे। तो आपकी जो डेट शीट है फिर दोबारा से जारी की जाएगी, और बहुत जल्द जारी की जाएगी। तो जैसे ही जो भी चीज अपडेट होती है, जैसे ही कोई डेट शीट जारी होगी या जो भी नोटिस जारी होता है, तो उसको मैं सबसे पहले अपडेट करता हूं फेसबुक पेज पर। तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जितनी भी डेट शीट है वो मैंने ऑलमोस्ट सभी डेट शीट मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपडेट की हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं, या आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहां से भी देख सकते हैं। तो साथियों, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, हमारा जो बीबीए है, बीसीए है, क्या उसके फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अब तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है कि अब आपके जो सम सेमेस्टर के एग्जाम है वो नहीं कराए जाएंगे, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। जैसे आपका बीबीए है, बीसीए, तो उसमें सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, बाकी आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपको प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे। तो जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स हैं तो आप वो फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो उसमें आपके थर्ड सेमेस्टर में जो भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।